ये लक्ष्मी नंगल से आई है। अब कब से विश्वास करते हो? वी 25 साल से। कितने साल से? वी 25 साल से। ये 20-25 साल से विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मैं अभी बता रहा हूं, सत्य क्या है, सच्चाई को जानना, आत्मा की बातें, इन्हें कुछ नहीं पता। बोलो क्या है? अब ये यहां पे आए, आपको यहां पे आए कितना समय हो गया? ये चौथी मीटिंग है, है ना? चार हफ्ते। यहां से आने से पहले आपके जीवन में क्या हालात थे? बहुत माड़े से, हाँ? बहुत माड़े थे। क्या थे? अभी परमेश्वर ने आपके जीवन को क्या किया? अच्छा किया, ब्लेस किया। और सुनो, अभी यहां पे जी, जहां पे ये पहले संगति करते थे, वो पास्टर जी इन्हें कहते हैं कि हम जो चंगियाइयां देते हैं, क्या करते हैं? उनके पास एक काला इलम है, काला इलम। क्या उनके पास है? हमारे पास काला इलम है। जहां पे जा रहे हो आप, वहां उनके पास काला इलम है। और यीशु मसीह को भी, जब यीशु मसीह आए आज से 2000 साल पहले, तो लोग, उस समय के लोग, यहूदी भी और फरीसी भी और भी, वो कहते थे तुम बाल जबूल की सहायता से। यीशु मसीह कहता, अगर कोई अपना घर को बनाने वाला ही अपने घर को कभी ढा सकता है, समझे हो? तो उसने कहा कि तुम बाल जबूल की सहायता से क्या करते हो? तो यीशु मसीह ने ऐसे उन्हें कहा। क्या कहा? समझ आ रही है? तो ऐसे ही इनके पास्टर जी भी कहते हैं कि जहां पे आप जाते हो वहां पे वो काले इल्म से लोगों को अच्छा करते हैं। क्या करते हैं? काले इल्म से, काले इल्म से। समझती हूं? पर यीशु, जो लोग जी कह रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि अगर कोई बंदा ये बात बोल रहा है तो मैं कहता हूं उसने अजय अभी उसकी सच्चाई को अच्छे से नहीं जाना। क्योंकि बाइबल में खुद यीशु मसीह ने कहा, जब तक लोग, इस पीढ़ी के लोग चिन्ह और चमत्कार ना देखेंगे तब तक ये कदापि विश्वास नहीं करेंगे। क्या ना करेंगे? यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब तक इस पीढ़ी के लोग चिन्ह और चमत्कार ना देखेंगे ये कदापि विश्वास क्या ना करेंगे, ये कभी भी कदा विश्वास ना करे जब तक ये चिन्ह और चमत्कार ना करे। समझे हो? पर कुछ लोग नहीं जानते तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। बोलो करते हैं? ये तो वो उदाहरण होगी ना। क्या होगी उदाहरण? नचना नहीं आंदा ते कहते थोड़ा वेड़ा पीड़ा है, हाँ? ये तो वो कहावत होगी, हाँ? मतलब अगर खुद नहीं कर सकते हो उस चीज को तो दूसरों को कहते हो कि ऐसे है, है ना? पर ये नहीं कहते कि हम भी करें। इसलिए पौलुस कहता, मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चलो। बैठ जाओ। कैसे कहा उसने? मैं मसीह की चाल चलता हूं और तुम मेरे जैसी चाल चलो। कैसे चलो? मेरे जैसे चलो। समझते हो? अगर चिन्ह और चमत्कार ना होते तो यीशु के पास कोई ना आता। क्या ना आता? अगर चिन्ह और चमत्कार ना होते तो यीशु के पास कोई भी ना आता। मैं ये सोचता हूं कि शायद जैसे अपलुस नाम का एक व्यक्ति, बाइबल में लिखा वो यूहन्ना के बपतिस्मा तक ही उसके पास ज्ञान था, सिर्फ उतना ही जानता था। हो सकता कुछ लोग इतने ही जानते हैं, अगर वो कर नहीं सकते तो उनके पास ज्ञान इतना है, समझते हो? पर ये बात नहीं। बोलो क्या है? जब चेले, मैं आपको ये देखो, चेले जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे तो प्रेरितों की बुक, पंजाबी में उसे बोलते रसूलां दे करतव, ऐसे करके
तो जहां पे अगर हम पूरा 3 और 4 चैप्टर पढ़ें इसका, प्रेरितों की बुक 3 और 4, तो जहां पे पत्रस और यहोन्ना ने एक जमांदरू लंगड़े को यीशु के नाम से चंगा किया, किसके नाम से चंगा किया? यीशु के नाम से। फिर उन्होंने ये भी उनसे कहा कि ये हमारी भक्ति जहां हमारी सामर्थ्य से ये चलने फिरने लगा है, उन्होंने कहा नहीं, ये यीशु के नाम से, किसके नाम से चलने लगा है ये। तो अगर हम इसके 4 में जाए तो कुछ उस समय के 4:1 में लिखा, जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और संदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते हैं और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते हैं। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन हवा लात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी, परंतु वचन के सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया। तो वो मना कर रहे थे कि इसके नाम से प्रचार ना करो, मत लोगों को बताओ। तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, हवा लात में रखा। कहां पे रखा? और 23 में लिखा, वे छुटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा था, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची हैं? प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए हैं और हाकम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेश और पैंतीस और पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए हैं, कि जो कुछ पहले से तेरी सामत और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देकर अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाई, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेविक यीशु के नाम से किए जाएं। देखा, जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान हिल गया। आमीन। सुनो, तो जहां पे ऐसे चेले जब बंदी गृह से वहां से शूट कर आए तो अपने चेलों से मिले, तो उन्होंने एक साथ इकट्ठे होकर ऐसे प्रार्थना की परमेश्वर से, कैसे की? कि पृथ्वी के राजा तेरे पवित्र सेविक यीशु के विरोध में उठ खड़े हुए। लोग तो हैं ही आज प्रभु के बंदे भी विरोध में, खुद नहीं करते तो वो दूसरों को कहते हैं जी काले इलम से करते हैं। बोलो कैसे करते हैं? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, बोलो ये वचन थोड़ा पढ़ेंगे, कैसे पूरा कहा यीशु मसीह ने? मत्ती में ऐसे लिखा ना, हाँ, तो यहां पे 12:22 में यहां पे ऐसे लिखा, तब लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह दुष्ट आत्मा के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई नगर जहां घराना जिसमें फूट होती है बनाना रहेगा, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। क्या करेंगे? न्याय करेंगे।
पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आमीन। किसकी सहायता से? उसने कहा अगर शैतान ही शैतान को है ना ऐसे निकाले तो उसका राज्य कैसे बना रहे हा? अगर मैं किसी इल्म से शैतान को, वो जाने वाला नहीं। हेलो, ये लोगों की गलत फहमी है। बोलो क्या है लोगों की? ये गलत फहमी है कुछ लोगों की जो उसकी सच्चाई सो अच्छे से नहीं जानते। क्या है उसकी सच्चाई सो अच्छे से नहीं जानते, इसलिए वो कहते हैं वो ऐसे निकालते हैं। और बहुत से लोग ज्ञान ना होने से वो भरमाए भी जाते हैं। बहुत से लोग मसीह लोग भरमाए जाते हैं। क्या जाते हैं? जो अच्छे से ज्ञान को नहीं समझते, बहुत से मसीह भरमाए जाते हैं। क्या जाते हैं? भरमाए जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं क्या है ज्ञान, क्या है सच्चाई। तो अगर कोई दूसरा बताए, नहीं जी यहां पे देखो जी ऐसे लिखा है, तो वो कहते अच्छा जी वो तो ऐसे बताते हैं, पर जो सत्य है, जो सच्चाई है, मैं वो आपको बता रहा हूं। समझते हो? क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस, उसका आत्मा यहां पे काम करता है। बोलो, नो डाउट, यहां कोई शक की बात नहीं है कि उसका आत्मा काम नहीं करता। करता है कि नहीं करता? अब कितनी गवाहियां सुनते हो हर संडे वीरवार, सुनते हो ना? इसलिए लिखा जहां कहीं उसका आत्मा है वहां पे आजादी है। जहां कहीं पे उसका आत्मा है क्या है? आजादी है। आजादी जहां कहीं पे उसका आत्मा है आजादी, समझ रहे हो? और इसलिए आज भी उसका आत्मा यहां पे है। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग विश्वास से आए, आज भी परमेश्वर उन्हें बहुत से लोगों को हील करेगा, अच्छा करेगा। आमीन, हालेलुया।